नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राज्य स्तरीय प्रशिक्षण हेतु महापरीक्षा अभियान के तहत। जो आज ग्राम प्रभारी, संकुल प्रभारी, ब्लॉक प्रभारी, वार्ड प्रभारी और केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं जितने भी शिक्षाविद हैं, शिक्षकों की जो ड्यूटी लगी है, उन सभी के प्रशिक्षण के लिए आज राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं राज्य साक्षरता मिशन के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रशांत कुमार पांडे सर एवं दिनेश कुमार टांग सर, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के असिस्टेंट डायरेक्टर, SCL के प्रकोष्ठ प्रभारी श्रीमती प्रीति सिंह मैडम, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण से परियोजना सलाहकार सुश्री नेहा शुक्ला मैम, और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के राज्य स्तरीय वेबिनार में। मैं आग्रह करती हूँ पांडे सर से कि आज के वेबिनार की जो जानकारी है वो आप हमें प्रदान करें। आप सभी को नमस्कार। पढ़ना लिखना अभियान के तहत प्रौढ़ शिक्षार्थियों के आकलन के लिए राज्यव्यापी महापरीक्षा अभियान का आयोजन आप सभी को मालूम है कि 30 सितंबर यानी कल किया गया है। इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं राज्य साक्षरता मिशन द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। आपको मालूम ही है कि पूरे देश में पढ़ना लिखना अभियान की समयावधि 31 जुलाई थी, लेकिन राज्य शासन के अनुरोध पर यह 30 सितंबर तक बढ़ाई गई और यह अभियान का आकलन का समय आ गया है। मैं आप सभी जिले के अधिकारीगण, प्रभारीगण, ब्लॉक स्तर के अधिकारीगण, संकुल स्तर के प्रभारी, संकुल समन्वयक तथा ग्राम स्तर के प्रभारी और अन्य शिक्षक साथियों का स्वागत करता हूं। हमारे जो केंद्र में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए उनके केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक और पूरे इस अभियान में जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं लगाए गए हैं उन सभी का स्वागत करता हूं। साथ में राज्य साक्षरता मिशन, जिला साक्षरता मिशन, ब्लॉक साक्षरता मिशन और SCRT, हमारे गाइड्स और रिसोर्स पर्सन, हमारे जो कुशल प्रशिक्षक हैं और साथ में स्वयंसेवी शिक्षक जो निस्वार्थ भावना से इसमें जुड़े हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण व SCERT का जो स्टेट सेंटर फॉर लिटरेसी सेल है उसके साथ संयुक्त तत्वाधान में हम लोग ये स्टेट लेवल वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। SCERT के सभा कक्ष में उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण का मैं स्वागत करता हूं और जिन लोग जुड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो तो देखें और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी कृपया अन्य लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ते जाएं। सबसे पहले हम केवल और केवल तैयारी करेंगे, सीधे बातचीत करेंगे, पढ़ना लिखना अभियान की तैयारी पर भी हम फोकस करेंगे। आप लोगों ने काफ़ी तैयारी की है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सारी जानकारियां हम लोगों तक आ रही हैं। चलिए, महापरीक्षा अभियान हेतु ये वाला इसको चलो, यस, महापरीक्षा अभियान हेतु इस राज्य स्तरीय वेबिनार में सबसे पहले आपको मालूम है कि पढ़ना लिखना अभियान में केवल हम अभी बुनियादी साक्षरता जो कार्यक्रम चला रहे हैं यानी मोहल्ला साक्षरता कक्षा में 15 वर्ष से जो अधिक लोग आ रहे हैं उनका ही आकलन कर रहे हैं। इस आकलन के पश्चात उन शिक्षार्थियों को मिलेगा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का जो NIOS है, राष्ट्रीय ओपन स्कूल तथा जो मुक्त, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, और हमारा जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है उसका संयुक्त प्रमाण पत्र इसमें मिलेगा। आकलन तिथि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 30 सितंबर है। समय चूंकि प्रौढ़ शिक्षार्थी होते हैं, बहुत व्यस्त होते हैं, इसलिए जो समय का निर्धारण किया गया है वो प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया है। प्रत्येक शिक्षार्थी जब भी आएंगे तो उन्हें 3 घंटे का समय दिया जाएगा। आपको मालूम ही है कि हमने सभी जिलों में प्रवेशिकाएँ पहुँचाई हैं और मार्गदर्शिका पहुँचाई है जिसका हम लोगों ने cgschool.in पोर्टल में उल्लेख भी किया है। मुख्य रूप से उन्हें पढ़ना लिखना और गणितीय कौशल पढ़ाना है और इसी का ही आकलन कल हम लोगों को किया जाना है। इसके लिए वातावरण निर्माण के लिए
जैसा कि आपको मालूम है 20 तारीख और 21 तारीख को इसी एससीईआरटी में पूरे जिले के जिला परियोजना अधिकारियों और रिसोर्स पर्सन को 2 दिन तक प्रशिक्षण प्रदान किया गया और उस प्रशिक्षण में सारी चीज़ें उन्हें बताई गई हैं कि किस प्रकार इस कार्यक्रम को अभियान का स्वरूप देना है। वातावरण निर्माण के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, आप लोगों ने प्रयास जो किए हैं वो काबिले तारीफ है, बहुत ही अच्छे प्रयास आप लोगों के द्वारा ज़िले में होते हैं और आपने देखा भी होगा हमारे ज़िले के हमारे राज्य साक्षरता मिशन के अधिकारी उसे शनै शनै उस आपके जो कार्यक्रम अच्छे प्रयास होते हैं उसको अप्रिसिएशन भी यहाँ पर दिया जाता है उस ग्रुप के माध्यम से। उसमें दीवार लेखन आप लोगों ने किया है, आप लोगों ने फ्लैक्स बहुत अच्छे बनाए हैं, बड़े बड़े पोस्टर आप लोगों ने डिज़ाइन किए हैं, अखबारों में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो उसमें भी आप लोगों ने समाचार दिए हैं। आप लोगों ने शिक्षार्थी पर्ची का वितरण किया है घर घर में जाके, आप लोगों ने जनप्रतिनिधि और समुदाय के सहयोग से शिक्षार्थियों को आमंत्रण दिया है, आपने अलग अलग बैठकें की हैं उसका उन्मुखीकरण किया है और ये प्रयास अंतिम दिन जारी है। अब हमारे पास चुनाव अभियान की तरह केवल कुछ घंटे रह गए हैं इसमें तैयारी करनी। आप लोगों ने जो प्रस्तावित कैलेंडर है इसके हिसाब से यदि आपके किसी ज़िले में इसमें से इस कैलेंडर में कोई भी गतिविधियां नहीं हुई हों तो आज आपको पास शाम रात तक का वक्त है। चाहे आपने जिला स्तरीय उन्मुखीकरण यदि किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का वितरण नहीं किया है तो उसे आप वितरण कर दें और आप इसके अलावा संकुल स्तर पर उन्मुखीकरण यदि प्रशिक्षण आपने नहीं किया है तो वो भी आपको करना है। वातावरण निर्माण के लिए अंतिम जो समय हमारा अंतिम घंटे में जो हम लोग प्रयास करते हैं, आपने देखा होगा चुनाव अभियान में जैसे जो जनप्रतिनिधि चुनाव में खड़े होते हैं वो अंतिम प्रयास अंतिम समय में ज़्यादा करते हैं, वैसा ही हमको अंतिम प्रयास आज करना है। इसीलिए 24 घंटे पहले, बल्कि 24 घंटे नहीं बोलूँगा 22 घंटे पहले हम लोग ये वेबिनार कर रहे हैं ताकि इस 22 घंटे में 2 घंटे बाद आपको हमारे वेबिनार के बाद 1 घंटे का वेबिनार है हमारा, इसके बाद आपको 20 घंटे ही आपके पास शेष रह जाएंगे। इस 20 घंटे में आपको अंतिम प्रयास, सामूहिक प्रयास, हर तरह से प्रयास करना है जो आप कर सकते हैं वातावरण निर्माण के लिए, जो कर सकते हैं उस कम समय में। आप सामग्रियों की व्यवस्था यदि कहीं पर नहीं होगी वो कर सकते हैं, आप केंद्राध्यक्ष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर लीजिए, देख लीजिए कोई यदि बीमार हो तो उसके में रिजर्व टीम आपने बनाई होगी उससे नियुक्ति कर लीजिए, उन लोग समय पर वहां पर पहुंच जाएं, ये आपको करना है। मॉनिटरिंग के लिए आपको पूरे लोगों को मॉनिटरिंग में लगाना है, मतलब ऐसा कोई ब्लॉक नहीं हो, कोई केंद्र ऐसा नहीं हो जिसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई ना कोई ना जाए। कंट्रोल रूम आपको आज से ही स्थापित करना है, हमारे राज्य में भी कंट्रोल रूम स्थापित हो गया है आज से और ये कंट्रोल रूम आपको नियमित रूप से गतिविधि यहाँ आप जो भी करेंगे उसकी गतिविधि आपको बतानी है। केंद्रवार शिक्षार्थी सूची आपने बना ली होगी, आपको फिर से यदि नहीं बनाई है तो उसको बना लेना है। शिक्षार्थी पर्ची का वितरण आज आप कल तक कर सकते हैं, आज से लेकर कल तक कर सकते हैं, जितनी बार आप शिक्षार्थियों के पास पहुँचोगे मुनादी आप करवा लीजिए घर में, वो यदि आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छी बात रहेगी। बार बार उनको याद दिलाना है कि कल आप न खेत जाएं न कहीं अपने काम से जाएं, उसको एक दिन के लिए टालें, एक दिन के लिए केवल 3 घंटे के लिए टालें और वहां पर आएं, आपको करना है। सामग्री मैंने पहले ही बताया कि आपको हर स्तर पर केंद्र स्तर पर वितरण कर देना है और हम लोगों ने अपने स्तर पर प्रश्न पत्र, क्वेश्चन आंसर बुकलेट और पुस्तिका आप तक पहुंचा दी। ये सारे आयोजन आप लोगों ने कर लिए होंगे, आपको मूल्यांकन की भी तैयारी कर लेनी है जैसे ही इसका मूल्यांकन होगा। ये भी आपको आपको मालूम ही है कि केंद्र स्तर पर कल इसका मूल्यांकन होगा, शहरी क्षेत्र में भी ग्रामीण क्षेत्र में दोनों होगा। इस बार की खासियत यह है कि शिक्षार्थियों को 2 स्तर पर प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, एक NIMS के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा और हमारे राज्य साक्षरता मिशन के जो डायरेक्टर हैं डायरेक्टर सर डी राहुल गुलकर सर, उनके द्वारा कहा गया है कि एक हम राज्य स्तर पर भी प्रमाण पत्र देंगे। इसके लिए इस बार आपको विशेष जो मेहनत करनी पड़ेगी वो ये मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको जो शिक्षार्थियों की पासपोर्ट साइज की फोटो खींचना है, यानी आपको मोबाइल पर फोटो खींचना है, उनका नाम और केंद्र का नाम, गांव का नाम अवश्य अंकित हो ताकि आप उनका फोटो खींचें और सर्टिफिकेट में उनके फोटो के साथ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन आपको तुरंत कर देना है, जैसे ही ये समाप्त होगा आज से आज ही मूल्यांकन कर लेना, जैसे पंचायत चुनाव में हम तुरंत गिनती उसी दिन कर लेते हैं उसी तरह से मूल्यांकन करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। 10-20 जितने भी शिक्षार्थी होंगे जो मूल्यांकन करता होंगे, चाहे वो केंद्राध्यक्ष हो चाहे वो हमारे पर्यवेक्षक हो चाहे आपके साथ और टीम हो, उसको वहीं पर मूल्यांकन कर लेना है। 50-50 का अंक होगा, ये भी आपको मालूम है पढ़ना लिखना और इसके लिए, और मूल्यांकन करने के बाद आपको फिर डेटा एंट्री आपको करनी है, वो आपको हम बताएंगे।
कल भी हमने बताया था और आज भी उसकी डेटा एंट्री कैसे करनी है एक छोटा सा सत्र हमने उसका भी रखा है। शिक्षार्थी आकलन में जो फोटो जो आपको खींचना है वो आपको पोर्टल में अपलोड करना है, ये भी आपको मालूम ही होगा। इस बार वो जो पहले हमने शिक्षार्थियों के फोटो शिक्षार्थियों के पढ़ने वाले जो आखर जहाँ पे उसकी खींची थी उससे इसमें काम नहीं बनेगा, अलग से हमको पासपोर्ट साइज की फोटो खींचनी ताकि पहचान में आए, और बिना मास्क के फोटो खींचना है क्योंकि अकेले की फोटो खींचना है, और साथ में स्वयंसेवी शिक्षकों का भी फोटो खींचना है क्योंकि स्वयंसेवी शिक्षकों को भी राज्य स्तर पर एक अच्छा प्रमाण पत्र माननीय जनप्रतिनिधियों और माननीय अधिकारियों के हस्ताक्षर से दिया जाना प्रस्तावित है, और एक सीडी आपको 7 तारीख तक बना के देनी है जो 10 अक्टूबर तक आपको हमको भेजना है, ये उसी का है, मूल्यांकन आप कल तक कर लेंगे, ठीक है। अब हमको शिक्षार्थी आकलन के लिए क्या तैयारी करनी है, आपने शिक्षार्थी आकलन के केंद्रों का चिन्हांकन कर लिया होगा, देख लीजिए वो आपका चिन्हांकन सही है कि नहीं, कहीं कोई विशेष काल परिस्थिति होगी तो आप फिर से कर सकते हैं, आपके पास अभी 20 घंटे शेष हैं। आपने केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षक सह मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति कर दी होगी, यानी जो केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षक होंगे यही मूल्यांकनकर्ता भी होंगे, इसका आशय ये, उन्हें प्रशिक्षण बाकायदे दे दीजिए, और पेंसिल रबर शार्पनर और पेन जो आपको टिक मार्क करने के लिए चाहिए उसकी उपलब्धता आपने सुनिश्चित कर दी है कि नहीं, केंद्र तक आपको पहुंचा देना, ये मत सोचिए कि कल हमको पहुंचाएंगे, हम आज ही उन केंद्रों तक पहुंचा दें ताकि समय पर हम लोग सुनिश्चित कर सकें। और शिक्षार्थी पर्ची जहां नहीं पहुंची वहां आपको पहुंचाना है, आपको ध्यान रखना है cgschool.in पोर्टल पर जो वो बनाया गया है सूची, जो अंकित की गई सूची वही लोग परीक्षा में शामिल होंगे, अलग से लोग परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। उपस्थित पत्रक अंक तालिका और लिफाफे इत्यादि की व्यवस्था आपके पास होगी, कंट्रोल रूम आपको बना लेना है, प्रभारी और सहायक की नियुक्ति कर देनी है, कंट्रोल रूम लगातार चलेंगे जब तक के आपके अंतिम आंकड़े हमारे पास ना आ जाए, और कंट्रोल रूम का ये कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग अधिकारियों की कल की विशेष रूप से भूमिका रहेगी, वो 10 बजे मतलब 12 बजे 2 बजे 4 बजे और 6 बजे हर 2 घंटे में हमको ये रिपोर्ट देंगे कि कितने कितने शिक्षार्थी आपके जिले में जो लक्ष्य संख्या है उसके लोग यहाँ पर परीक्षा देने आ चुके हैं, हर 2 घंटे में आपकी रिपोर्ट आपके जिले में आएगी और कंट्रोल रूम जिले के कंट्रोल रूम से राज्य के कंट्रोल रूम में आएगी। यहाँ पर हमारे राज्य के कंट्रोल रूम में श्री महेश वर्मा और सुश्री ममता श्रीवास और कृष्णा गौर, कविता लिखार और अन्य लोग, आकाश सहारे और अन्य लोगों की टीम वहाँ पर, डमरूधर दीप, ये लोग यहाँ पर जो हमारा जो स्टेट का जो कंट्रोल रूम है इन लोग वहाँ पर बैठेंगे, और ये लोग आपको आपको इनको यहाँ पर भेजते चले जाना है रिपोर्ट। ये लोग हम लोग जहाँ फील्ड में रहेंगे, हम दिनेश जी, निधि मैडम और नेहा मैडम और जो हमारे साथ SCRT की जो SCL की जो प्रभारी मैडम है प्रीति सिंह मैडम, हम लोग फील्ड पर रहेंगे तो हमें सीधे वो सूचनाएं हमको मिलती रहेंगी कि आपका कितना परसेंटेज हुआ और कितने लोग अभी तक परीक्षा में आ चुके हैं, जिस जिले में कम होगा वहाँ हम लोग फिर से बोलेंगे अलग से प्रयास किया जाए, ये हमारा हमारी व्यवस्था रहेगी। यार हम लोग रिपोर्टिंग फॉर्मेट आप लोग बना लीजिएगा, किस रिपोर्टिंग फॉर्मेट में हमको देना है, मॉनिटरिंग हेतु आदेश भी हमको बना लेना है। नेक्स्ट, ये आपको मालूम होगा जो सम्मिलित शिक्षार्थी का विवरण आपको बना लेना है, ये कॉलम आपको खींच लेना है, यदि इसका प्रिंट आउट आपको मिला होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो एक रजिस्टर में आप ये संख्या बना सकते हैं। ये अभी ये चीज़ें आपके पास उपलब्ध रहेंगी, ये अभी जो हम वेबिनार कर रहे हैं ये यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा, यदि आप अभी नोट नहीं कर पाए तो यूट्यूब से आप निकाल के आप देख सकते हैं, ये PPT हमने जिलों को भेजी हुई है, ये PPT से आप लोग देख सकते हैं, और अभी हम लोग मैं महेश वर्मा जी से बोलूँगा कि निधि मैडम यहाँ से कि आप लोग ये PPT जरूर भेज दीजिएगा ताकि वो लोग बना सके, रजिस्टर में भी आप इसको बना सकते हैं जो लोग शिक्षार्थी शामिल होंगे। नेक्स्ट, ये शिक्षार्थी पर्ची है जो अधिकांश जिलों ने इसकी तैयारी की है, ये हाथ से लिखकर आप पर्ची बना सकते हैं, जिस तरह से मतदान केंद्रों में मतदान पर्ची बनाया करते हैं ऐसा ही आमंत्रण है एक तरह से, ताकि वो भूले नहीं, इस पर्ची को लेकर वो आ जाए और परीक्षा दिलाने के लिए, उसको केवल याद दिलाने का एक क्रम है, घर घर जाकर इसको देना है। यदि जिस जिले में, जिस गांव में, जिस केंद्र में, जिस नगरीय निकाय वार्ड में हमने नहीं दिया होगा तो हम शिक्षार्थी पर्ची उनको कृपया दे दें तो बहुत अच्छा रहे। केंद्र और मूल्यांकन प्रभारी को बहुत विशेष रूप से जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षार्थियों की जो बैठक व्यवस्था है वो हम गांव में करेंगे, चाहे जमीन पर बैठकर दें, एक कतार में हम बैठा सकते हैं उनको, हमको बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह उनकी व्यवस्था नहीं करनी है, थोड़ा आराम देना है, क्योंकि ये लोग शिक्षा के मुख्य धारा में नहीं है,
इनको शिक्षा की मुख्य धारा में हमको जोड़ना है। इसलिए हम लोग, हमारा व्यवहार बच्चों की तरह नहीं होगा, बल्कि सारे केंद्र प्रभारी, मूल्यांकन प्रभारी से मैं आग्रह करूंगा कि हम उनका बेहतर तरीके से हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करें, उनका स्वागत करें। कहीं चाहे तो स्व सहायता समूह के लोग आरती उतार कर भी उनका स्वागत कर सकते हैं। हमारे गाँव के लोग पूरा इसको त्यौहार की तरह मनाएं, महापरीक्षा अभियान 10 बजे के पहले हम लोग पहुंच जाएं। कोशिश करें कि हमारा काम 9 बजे, हम लोग पहले पहुंच जाएं, 9 बजे पहुंच के सारी व्यवस्थाएं कर लें। 10 बजे से शाम 5 बजे तक हमको देना है। कोई भी परीक्षार्थी इसमें शामिल हो सकता है, हमको ये किसी भी परीक्षार्थी को रोकना नहीं है, सभी का स्वागत है। बस इतना ध्यान देना है, जब वो परीक्षार्थी आए तो आप टाइम नोट कर लीजिए, उसका समय शुरू होगा। आप बोल सकते हैं अब आपका समय शुरू होता है, अब ये आप बोल सकते हैं कि आपका समय अब शुरू होता है, जब वो आएंगे तब से उनको 3 घंटे का समय देना। ऐसा भी परीक्षा होता है, ये केवल पढ़ना लिखना अभियान नहीं होता है कि जब आओ 10 से 5 बजे के जब आओ तब से 3 घंटे तक परीक्षा दिलाओ। तो परीक्षार्थियों की जो उपस्थिति पत्रक में रोल नंबर आपको लिखना है, बढ़ते क्रम में ली जाएगी, और रोल नंबर और नाम लिखकर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर लिए जाएंगे, क्योंकि वो पढ़ना लिखना सीख गया है, हस्ताक्षर करना तो सीख गया होगा, इसलिए तो उसका आकलन हो रहा है। अनुपस्थित परीक्षार्थियों के नाम के सामने आपको टिक मार्क दर्ज करना है कि वो अनुपस्थित है, ताकि आपको मालूम रहे कि कौन से वो नहीं है। जिस प्रकार हम चुनाव में ध्यान रखते हैं कि कौन व्यक्ति वोट डालने नहीं आया, वैसा ही हमको एक टीम बाहर में काम करेगी, जो हमारे जनप्रतिनिधि रहेंगे, जो गाँव के सरपंच होंगे, जो गाँव के उप सरपंच होंगे, जो पंच होंगे, और एक टीम रहेगी स्वयंसेवी शिक्षक और बाकी लोग, वो गाँव के जो लोग होंगे उनका ये प्रयास होगा कि हम उन्हें क्रमशः जो लोग नहीं आ रहे उनके घरों में जाएं, उन्हें बुलाएं, जहां भी होंगे उनको बुलाने का क्रम दिन भर जारी रहेगा। बुलाना जैसे ये होता है ना वोट डालने के लिए, अरे फलाना वोट डालने नहीं आया, उन्हें बुलाया जाए तो हम उन्हें अवश्य बुलाएंगे, वोट मतलब क्रमशः बुलाते चले जाएंगे। केंद्र और मूल्यांकन प्रभारी के लिए जो निर्देश है हमारा, उपस्थिति पत्रक के प्रत्येक पृष्ठ पर केंद्राध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर अंकित आप करेंगे, जहां भी हमारे उपस्थित पत्रक होगा उसमें, और आप मुख्य पृष्ठ पर आप तो हस्ताक्षर करेंगे ही। परीक्षा समाप्ति पर प्रश्न पत्र सह उत्तर पत्रक रोल नंबर के बढ़ते क्रम में हमको लिखना है, ये आपको बताया गया होगा। और परीक्षा संचालन और सीलिंग का कार्य भी आप जैसा करते हैं फॉर्म बी में आपको देना होगा। नेक्स्ट, पर्यवेक्षक भी वहां पर है, उनके लिए जो निर्देश हो है आपको, सारे पर्यवेक्षकों के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप केंद्राध्यक्ष तो वहां रहेंगे ही रहेंगे, उनकी अनुमति के बिना पर्यवेक्षक परीक्षा कक्ष को नहीं छोड़ना है, वहीं पर आपको रहना है। जांच करना है कि परीक्षार्थी ने अपना सही रोल नंबर लिखा है कि नहीं, नाम सही लिखा है कि नहीं, और मुख्य पृष्ठ पर जहां पर लिखना है जो स्थान दिया गया है स्पष्ट लिखा है कि नहीं। और सबसे ज्यादातर बात है कि हमारे जो डेटा एंट्री ऑपरेटर जब लिखते हैं तो उन्हें हर चीज स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, उनके लिए ऐसा ना हो कि कोई अंक स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा हो या नाम उनके स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हो, ये आपको ध्यान रखना। त्रुटि होने की जानकारी उनको आपको देना है और विधि पूर्वक आपको करना है, पूरा अनुशासन बनाए रखना है। हम आपस में बातचीत ना करें जिससे हमारे जो परीक्षार्थी है उनको दिक्कत ना हो, ये आपको देना है। और बार बार हमको आवाजाही नहीं करनी, एक तो बेचारे मुख्य धारा से वंचित लोग हैं जो शिक्षा जो स्कूल तो आते नहीं, बड़े लोग हैं उनके बच्चे आते हैं वो तो बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं परीक्षा देने के लिए। तो हमको ये विशेष रूप से आप सभी से आग्रह रहेगा कि हम कम से कम कक्षा में जाएं, नहीं तो बार बार हर व्यक्ति आ रहा है कक्षा का अवलोकन कर रहा है, केवल कोई राज्य से या स्टेट से या जिले से कोई आता है तो ही उनको वो करना है। कोशिश करें कि एक बार में एक ही व्यक्ति जाए और ज़्यादा लोग न जाएं, एक आध बार आप चले जाएं, ताकि उनको निस्वार्थ भाव से परीक्षा दिलाने दें और उन्मुक्त वातावरण में दिला देने दें, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना। नहीं तो गाँव घर में क्या होता है कि अलग अलग लोगों के रिश्ते होते हैं गाँव में, तो उन लोग को बार बार कोई किसी को जेठ मानता है, कोई किसी को और ससुर मानता है, या जो भी मतलब हमारे आदरणीय होते हैं उनके सामने के लोग शर्माते हैं, तो उन चीजों का ध्यान रखें। नेक्स्ट, आपको आपको मालूम है प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, पढ़ना लिखना और गणित का होगा, आपको हल करना अनिवार्य, और दिए गए निर्देशों को अच्छे से पढ़ना है, परीक्षार्थियों को अवगत कराना है। कई बार हम नहीं पढ़ पाते तो हमको अवगत कराना है, ये है। और रिक्त स्थान पर जो प्रश्न पत्र में जो रिक्त स्थान बने होंगे, प्रश्न उत्तर पुस्तिका जो है, क्वेश्चन आंसर बुकलेट जो है, वो में वहीं पर उसके वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उसमें एक में टिक लगाना है, और जहां खाली स्थान है उसको ही भरना है, कहीं पर जोड़ी बनाना पड़ सकता है, तो
तो एक तरह से उनको पूर्वाभ्यास आपको करा देना है कि कैसा करना है। उनको यदि पूर्वाभ्यास करा देंगे कि इस तरह के प्रश्न होंगे, यहाँ पर जोड़ी बनाना है, वहां समझा सकते हैं, आपको बताना नहीं है लेकिन आप समझा सकते हैं कि इस प्रश्न में यहाँ कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है जैसे हम बच्चों के लिए करते हैं, वहां पर हम बता भी सकते हैं कि इसको इस तरह से हम वो जोड़ी बना लें और इसको हम यहाँ पर रिक्त मतलब यहाँ पर हमको लिखना है, यहाँ पर जोड़ घटाना करना है, यहाँ पर गुणा भाग करना है, इस तरह से हमको लिखना होगा। नेक्स्ट, ये हमारा उपस्थिति पत्रक है, रोल नंबर लिखना है और परीक्षार्थी जो आएंगे और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर लेना है। ये उपस्थिति पत्रक आपके यहाँ होंगे, यदि नहीं पहुंचे ये नहीं बोलना है कि नहीं पहुंचे, आप सीधा सीधा वहीं रजिस्टर में कागज लेना है और ये जो काला है उसको अंकित कर लीजिए। सबसे अच्छा, हमको जिले को या ब्लॉक को या किसी को दोषी नहीं देना है, आप सीधे सीधे आपके पास नहीं हो तो उपस्थिति पत्रक आप सीधे ये बना सकते हैं, आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये रहेंगे, इसमें हम आपको भेज देंगे और आज ही आपको डाउनलोड करके अपने उसमें डाल देना है। टेलीग्राम ग्रुप में भी हमने जो डाल देंगे उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी सारे प्रभारी हैं। अंक तालिका बनाएंगे जब आप मूल्यांकन करेंगे तो रोल नंबर, उसके नाम, फिर पढ़ना में कितने अंक हैं 50 अंक हैं, लिखना में 50 अंक हैं, गणित में 50 अंक हैं, तीनों मिला के 150 अंक में आपको नंबर देना है जितना होंगे। नीचे में जो जाँचकर्ता के हस्ताक्षर और मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर हो जाएगा, अपना पदनाम जरूर लिखेंगे, स्पष्ट लिखेंगे और उसके बाद संस्था का नाम लिखेंगे जिस संस्था में, ये अंक तालिका हुए फॉर्म सी। नेक्स्ट, क्यू ए बी का वितरण, क्यू ए बी यानी क्वेश्चन आंसर बुकलेट अर्थात प्रश्न उत्तर पुस्तिका का जिला स्तर पर वितरण, विकासखंड स्तर नगरीय निकाय को हम लोगों ने कर दिया था 20 और 21 तारीख को जिस दिन आपके यहाँ पर प्रशिक्षण था। इसके पश्चात जो हमारे अभी 24 तारीख को 24 तारीख को जिला शिक्षा अधिकारी और डीएमसी की बैठक थी, माननीय मंत्री जी, माननीय हमारे जो स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव महोदय हैं और सचिव महोदय हैं और दोनों डायरेक्टर, समग्र शिक्षा के एमडी और हमारे एससीईआरटी एसएलएमए के जो डायरेक्टर, उन लोगों ने एक संयुक्त बैठक ली थी। उस संयुक्त बैठक के दिन भी बहुत सारे जिला शिक्षा अधिकारी अपने साथ क्वेश्चन आंसर बुकलेट ले गए थे। उस दिन भी पहला एजेंडा हमारा राष्ट्रव्यापी महापरीक्षा अभियान था, इसलिए इस कार्यक्रम को कितनी प्राथमिकता दी गई है आपको बता दें। और काम भी आपके हैं और आकलन का भी काम चलेगा लेकिन इस काम को पूरी प्राथमिकता देनी है, इसलिए आपको जिले से ब्लॉक में, ब्लॉक से क्लस्टर में, क्लस्टर से हर हाल में एग्जामिनेशन सेंटर तक जिस लेवल पर भी ये क्वेश्चन आंसर बुकलेट होंगे आपको हर हाल में पहुंचा देने हैं। अभी यहाँ तक ये भी हुआ है क्वेश्चन आंसर बुकलेट चूंकि बहुत अंतिम समय में आए यहाँ पर और जल्दबाजी में कुछ जिलों में ज़्यादा चले गए, कुछ जिलों में कम हुए, हम लोगों ने प्रयास करके और जैसे एक जिले के लिए कम पड़ा तो हमने और प्रयास करके अनुरोध किया हम लोगों ने, फिर से उनके लिए छपवा के आज हम लोगों ने भिजवाया है या भिजवा रहे हैं। महेश वर्मा जी देख रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हम जहाँ कम पड़ा था वहाँ और भिजवाएं, तो कहीं इसकी कमी नहीं है, हमको कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग लें। नेक्स्ट, आज की हमको क्या करानी तैयारी, वो ये है कि हमको संकुल केंद्र से आकलन केंद्र के केंद्राध्यक्ष को प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के सील्ड पैकेट वितरित कर देना है। आज का काम, जब हम यहाँ पर बैठे हैं 29 तारीख है, 29 सितंबर यानी आज एक दिन पूर्व का यह काम होगा। यह वेबिनार के बाद आप ये सुनिश्चित करेंगे कि हम संकुल से हमारा जो परीक्षा केंद्र है जिसको हम आकलन केंद्र बोले या परीक्षा केंद्र बोले, वहां पर के जो केंद्राध्यक्ष जिसको नियुक्त किया है उसका हम प्रश्न उत्तर पुस्तिका का पैकेट उनको दे देंगे यानी प्रदान कर देंगे, उनकी से पावती ले लेंगे और लेखन सामग्री भी उपलब्ध करा देंगे। ग्राम प्रभारी सभी गांवों में बने उनके माध्यम से, स्वयंसेवी शिक्षकों के माध्यम से शिक्षार्थी पर्ची हम दे देंगे, उन्हें आकलन केंद्र में उपस्थित करने के लिए अब प्रेरित करेंगे। जहां स्वयंसेवी शिक्षक के काम को नहीं करेंगे वहां पर हम ग्राम प्रभारी से यह काम कराएंगे। ग्राम प्रभारी गांव में जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्व सहायता समूह हो, चाहे वो नवयक मंडल हो, चाहे महिला मंडल हो, जो भी लोग गांव में मितानिन हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, अन्य लोग, बच्चों के माध्यम से भी दे सकते हैं। बच्चे अपने माता पिता को, अपने सहयोगों को, अपने पड़ोसियों को भी दे सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। अपरिहार्य कारण स्थिति में केंद्राध्यक्ष या पर्यवेक्षक ही को मूल्यांकनकर्ता को परिवर्तित किया जाए, वैसे आपको बदला नहीं है लेकिन यदि आवश्यक पड़ जाए, कोई स्वास्थ्यगत कारण हो या कोई और महत्वपूर्ण काम में संलिप्तता हो या कोविड का विशेष हमको ध्यान में रखना है, कोविड का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि कोविड का थर्ड वेरिएंट आने की संभावना फिर से है। अभी आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं, इसलिए हमको ऐसी कोई स्थिति आती है तो आपको मूल्यांकनकर्ता को बदलेंगे या केंद्राध्यक्ष को बदलेंगे या परीक्षक को बदलेंगे, नहीं तो जिसको आपने नियुक्त किया है, जिसको आपने प्रशिक्षण दिया है उसको ही आपको रखना है।
कंट्रोल के माध्यम से आप आकलन केंद्र की समस्त तैयारी के संबंध में नोडल अधिकारी से रिपोर्ट आप जरूर ले लेंगे और क्या करना है आप पूछ लेंगे। तो कंट्रोल रूम में जो भी रहेगा उसको पूरी तरह ये चीजें उनके पास होनी चाहिए। राज्य स्तर पर भी यह निर्धारित कर लिया जाए कि हमारे पास ये सारी तैयारियों की चीजें रहनी चाहिए, हमारे पास निर्देश की कॉपी रहना चाहिए, हमारे पास जो छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव महोदय ने जो सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को, जिला परियोजना अधिकारियों को, डीएमसी को, डाइट प्रिंसिपल को जो निर्देश दिए हैं उसकी कॉपी होना चाहिए, डायरेक्टर एससीईआरटी डायरेक्टर एसएलएमए द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं सभी को वो होनी चाहिए, डाइट्स को भी भेजा है, एसएलएमए को भी भेजा है, उसकी कॉपी हमारे पास होना चाहिए। और तो और इस कार्यक्रम की पूरी अच्छे से संचालन के लिए हमारे जो सचिव महोदय हैं उनके द्वारा कलेक्टर को भी, सभी जिलों के कलेक्टर को भी वो भेजा गया है अर्धशासकीय पत्र, ताकि ये कार्यक्रम का संचालन बेहतर तरीके से हो। कई जिलों में कलेक्टर की सहभागिता अभी से सुनिश्चित हो गई है, जिन जिलों में नहीं है सारे जिला शिक्षा अधिकारियों से, सारे डाइट प्रिंसिपल से, सारे डीपीओ साहबान से, सारे डीएमसी से, सारे अधिकारियों से ये पुनः अनुरोध करूंगा कि कल ये कोशिश करें कि कलेक्टर किसी न किसी केंद्र में जाए, सीओ साहबान जाए, वहाँ नगर निगम के कमिश्नर सीएमओ जाए, जो उपलब्ध हो वो जाए, जनप्रतिनिधि जाए, जो हमारे माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, माननीय हमारे निगम मंडल के अध्यक्ष हैं, और हमारे जो जो जिला पंचायती राज के जो प्रतिनिधि हैं, नगरीय निकाय के जो प्रतिनिधि हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, वो लोग भी यदि जाएंगे और यदि आज से ही वो हमारे लोगों को बुलाने के लिए यदि सब लोग लग जाएंगे, आप सब उनसे आग्रह करें, उनके सहभागिता सुनिश्चित कराएंगे, तो उनको अभी बताएंगे कि आप यदि बोल देंगे तो बहुत अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जो इस काम के लिए मना करे, पूरी सक्रियता दिखाएंगे, उनकी अपील को लोगों तक पहुंचाएं। नेक्स्ट, महापरीक्षा अभियान के दिन के जो कार्य हैं, कल का काम जो आप करेंगे, मैंने बताया था आज का काम, अब आपका कल का काम क्या रहेगा, कल ही हमारा महापरीक्षा अभियान है, 30 तारीख है, वहां आप 10 बजे के पूर्व आपको उपस्थित हो जाना है। ध्यान रखना है किसी भी स्थिति में हमको घर से सुबह उठकर जल्दी, आज जल्दी सोना है पहले, तो जब आप जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, जब जल्दी उठेंगे तो आप ज्यादा पानी पिएंगे, अच्छे से फ्रेश होंगे, ताकि आपको आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, अच्छे से नाश्ता करके घर से सुबह ही निकल जाएंगे, जितनी आपकी दूरी हो आप कम से कम एक घंटे का मार्जिन लेके 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं, 9 बजे 8:30 9 बजे जितनी जल्दी आप पहुँच सकते पहुँच के सारी व्यवस्थाएं कर लें, साफ सुथरा कर लें, पहले से वहाँ केंद्र में जो भी चतुर्श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो भी आपके कर्मचारी, उनसे साफ सफाई करवा लें, पानी भरवा लें, सब करना है आपको। और वहाँ पर केंद्र का नाम, यदि पोस्टर आपको जिले से दिया गया तो पोस्टर लगा दें, नहीं दिया गया होगा तो आज ही स्केच पेन से सुंदर बना लें, कई जगह तो रंगोली बनाने की तैयारी मुझे पता चल रहा है, बढ़िया रंगोली बनाएं, आपके केंद्र को कितना अच्छा बना सकते हैं, है ना, तो आप रंगोली बनाएं महापरीक्षा अभियान को, उस पर जरूर भेजें, समाचार पत्रों में दें, प्रवेश द्वार पर आप रखें, उनका स्वागत करें। 10 बजे से जब भी 4-5 शिक्षार्थी आ जाए तो आप उसको खोल लें, सील लिफाफे खोल लें, और खोलने के बाद आप शिक्षार्थियों की उपस्थिति पत्रक में उनके उनकी उपस्थिति ले लीजिए, और 4-5 शिक्षार्थी के आने पर उन्हें वितरण करें, आप लिफाफे को उन्हीं के सामने खोलें और उनके सामने वितरण करें। शिक्षार्थियों को व्यवस्थित ढंग से बैठाएं, क्रम से बैठाएं, और कोशिश करें कि वो थोड़ी दूरी दूरी में बैठें, और उनको प्रश्न उत्तर पुस्तिका और जो लेखन सामग्री है, जो भी लेखन सामग्री दी गई है, नहीं है तो आप अपने पास से दीजिए, लेकिन देना जरूर है उनको, आपको वितरण कराना। पर्यवेक्षक द्वारा शिक्षार्थी के पढ़ने के कौशल का मूल्यांकन करना है, कैसा वो पढ़ रहे हैं, और शिक्षार्थियों को निर्धारित समय में जो 3 घंटा यदि होगा तो एकदम से छीनना नहीं है, 5-10 मिनट 15 मिनट आप एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं, वो आपके विवेक पर निर्भर करता है, तो एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 3 घंटे में ही कराना है, यदि उसको 10-15 मिनट कुछ करना चाह रहा है तो आप आराम से जब उनका पूर्व हो जाए तो एकत्रित कर लीजिए। नामांकन क्रमांक के बढ़ते क्रम में जमाना है, जो भी आपका नामांकन क्रमांक है, जो आप प्रश्न उत्तर पुस्तिका को भी सिस्टमेटिक तरीके से आप जमाएंगे आपके ख्याल। आकलन केंद्र में उपस्थित दिव्यांग यदि हैं, वयोवृद्ध कोई हैं, बुजुर्ग हैं, या विशिष्ट विद्यार्थी, कौन हो सकते हैं विशिष्ट विद्यार्थी, यदि सास बहू एक साथ यदि परीक्षा दिला रहे हैं तो उनकी फोटो जरूर लीजिए, उनके नाम जरूर लीजिए, कौन किससे प्रेरणा लिया है जरूर कीजिए, और उसको तुरंत हमारे कंट्रोल रूम को खबर कीजिए, बल्कि आज ही ये काम करना है। मैं आज सभी प्रभारियों से अनुरोध करूंगा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से, दिनेश जी को व्यक्तिगत रूप से, हमारे प्रीति सिंह मैडम को व्यक्तिगत रूप से, हमारे जो
हमारी जो सलाहकार हैं निधि मैडम है, निधि अग्रवाल मैडम है, नेहा शुक्ला मैडम है, डॉक्टर मनीषा वत्स मैडम है, अभी यूनिसेफ की सलाहकार ये भी यहाँ पहुँच चुकी हैं, इधर आ जाइए मैडम। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि आप तरीके से अभी से आप किन किन की जानकारी, जो ज्यादा वयोवृद्ध है उसकी जानकारी अभी से फोटो से ही जानकारी भेज दीजिए, क्योंकि आज भी हम भेजेंगे कि फलाने जिले में फलाने केंद्र में इतने बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग व्यक्ति परीक्षा दिलाएंगे, उनकी ये जानकारी है, उन्होंने मोहल्ला साक्षरता कक्षा में पढ़ा। कोई दिव्यांग है उसकी भी फोटो भेज दीजिए, उसकी डिटेल जानकारी। विशिष्ट शिक्षार्थी में हम जैसा कि मैंने बताया सास बहू की फोटो वो भेज दीजिए, है ना, माँ बेटी की फोटो है वो भेज दीजिए, माँ बेटी एक साथ परीक्षा दिला रहे हैं, दो तीन पीढ़ी एक साथ दिला रहे हो, यानी बेटा पिता और दादा दिला रहे हो तो, और यदि बिटिया उसकी माँ और उसकी नानी एक साथ दिला रहे हो तो, इस तरह की फोटो यदि कोई विशिष्ट ढंग से आपको मिले तो आप पति पत्नी एक साथ दिला रहे हो वही फोटो हो सकती है निश्चित रूप से, मतलब आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस तरह की रिपोर्ट हमको आज ही भेजें, कल तो आपको भेजना ही। समय उपलब्ध होने पर आपको मूल्यांकन तुरंत करना है, जैसे ही होता जाए मूल्यांकन शुरू कर दीजिए, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। कई जगह तो ये भी हो सकता है कि 5 बजे तक आपको मूल्यांकन भी कंप्लीट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, किसी के उद्घाटन किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं करना, आते जाए मूल्यांकन करते जाए, क्योंकि केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षक ही मूल्यांकन करता भी है, उन्हीं को मूल्यांकन करते जाना है। पढ़ना लिखना व गणितीय कौशल की के लिए आपको प्रविष्टि के लिए प्राप्तांक सूची में करना है, आपकी पहले मैंने बता दिया था कि जो आपकी प्राप्तांक सूची है उसमें पढ़ना लिखना और गणित में 50-50 अंक में जितने अंक आपने दिया हो उसमें आपको वो करना है। फिर 1 अक्टूबर को आपको उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, जो आपकी रिपोर्ट आप ऊपर सौंप देंगे, यदि नहीं कर पाए तो 1 अक्टूबर को मूल्यांकन कर दिए, मुझे लगता है एक पहले ही दिन हो जाएगा, कल ही हो जाएगा आपका। जो मूल्यांकित जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं आपकी क्वेश्चन आंसर बुकलेट है उसको बंडलिंग कर लेना, शेष जो बचा हुआ होगा प्रश्न उत्तर पुस्तिका व लेखन सामग्री को ग्राम प्रभारी को आपको सौंपना है, जो आपके गांव में ग्राम प्रभारी है उसको आप सौंप देंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि हम उसको कल आप उसको सौंप दें चाहे आज सौंप दें, है ना। फिर जो मूल्यांकित क्वेश्चन आंसर बुकलेट का जो बंडल है उपस्थिति पत्र के साथ, जो प्राप्तांक सूची है, जो सेलिंग प्रमाण पत्र है, 1 अक्टूबर को परसों शाम तक आप संकुल केंद्र में जमा कर देना, ताकि वो संकुल से होते हुए ब्लॉक में आ जाए। नेक्स्ट ये होगा आपको। अब मूल्यांकन कैसे करना है, पद्धति क्या है, आपको मालूम ही होगा कि पढ़ना लिखना अभियान के लिए 150 अंक है, यानी पढ़ना के लिए 50 अंक, लिखना के लिए 50 अंक, और गणित और कौशल गणितीय कौशल के लिए जोड़ना घटाने के लिए 50 अंक है। तो पढ़ना तीनों के लिए 50-50 अंक है। सफल होने के लिए आपको मालूम ही होगा इसमें हम किसी को भी फेल नहीं करते, अनुत्तीर्ण नहीं होता, न इसमें सप्लीमेंट्री होती है, ये भी आपको मालूम है। ये विशेष कार्यक्रम ये ऐसे लोगों के लिए है जो शिक्षा की मुख्यधारा में नहीं है, इसलिए वो 40% तक यदि अंक प्राप्त करते हैं, यानी प्रत्येक खंड में यदि 20 अंक आवश्यक है उनको लाना, मतलब पढ़ना लिखना और गणितीय कौशल तीनों में लाना जरूरी है, तो वो 40% से कम अंक प्राप्त होने पर वह सफल नहीं कहलाते, और 40% तक अंक यदि प्राप्त करते हैं तो सफल कहलाते हैं, ये आपको मालूम ही होगा। अब आपको एक ग्रेड हम बता देते हैं, ABC ग्रेड इसमें दिया जाता है, वो तो ग्रेडिंग ऑटोमेटिक अपने उसमें होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं 60% या उससे अधिक यदि कोई व्यक्ति प्राप्त करता है अंक तो ए ग्रेड प्राप्त करते हैं, 40% से जो अधिक जो प्राप्त करते हैं यानी 40 से 60 के बीच में वो संतोषजनक यानी वो बी ग्रेड कहलाते हैं, और यदि 40% से वो कम है यानी उसको फिर से सुधार की आवश्यकता है, उनको लिख लीजिए कि सुधार की आवश्यकता है यानी उनको फिर से पढ़ाना है, और आगे आने वाला जो अभियान रहेगा यानी जो आगे आने वाला जो अभियान रहेगा उसमें आपको आगे जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, नवभारत साक्षरता कार्यक्रम, तो उसके लिए उनको प्रिपेयर करना है, मतलब उनको तैयार रहने के लिए कहना है। मेरा एक सभी लोगों से अनुरोध है कि आकलन के बाद कक्षाएं बंद नहीं होंगी, ये हमारी कक्षाएं स्वस्फूर्त चालू रहनी चाहिए, चाहे कोई अभियान चले या ना चले, जब तक अनपढ़ है इंसान तब तक चलेगा साक्षरता अभियान, यानी ऐसा नहीं कि आज हमने आकलन कर लिया आप कक्षा नहीं लगा। अभी तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू होने की घोषणा नहीं हुई, हमारे पास निर्देश आ चुके हैं, उसको कार्यक्रम की विधिवत जब उद्घाटन होगा उसकी बात अलग है, हमने डायरेक्टर सर के निर्देशन में उसकी भी तैयारी प्रारंभ कर दी है, और SCL में हम लोगों ने लगातार उसकी कर ली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है
न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए जो बना है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हम स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर उसकी कोऑर्डिनेटर प्रीति सिंह मैडम है, उनके साथ कर रहे हैं, तो हम लोग अक्टूबर में भी काम करते रहेंगे। तो काम बंद नहीं होने वाला, ये आपको ध्यान में रखना है, तो उनकी कक्षा चलती रहे। नेक्स्ट, ये आपको बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग में मंत्रालय से माननीय सचिव महोदय के हस्ताक्षर से ये प्रौढ़ शिक्षा आकलन हेतु कल जो होने वाला है इसके सभी निर्देश ये दिए गए, इसकी कॉपी आपके पास, आप चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई बोले कि इसके लिए निर्देश नहीं है, इसलिए आज के प्रशिक्षण में आपको बताया जा रहा है कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए, सभी डीएमसी जो हैं हमारे समग्र शिक्षा अभियान के जिला मिशन समन्वयक के लिए, हमारे जिला परियोजना अधिकारी के लिए दिया गया है। इसकी कॉपी सभी स्तर पर देते हुए हमारे जो सभी ज्वाइंट डायरेक्टर जो हैं हमारे लोक शिक्षण के जो पांचों संभाग के माननीय संयुक्त संचालकगण, उन्हें भी दिया गया है और उन्हें मॉनिटरिंग के लिए अनुरोध किया गया है, और सभी प्राचार्य डाइट को भी इसके लिए बकायदे दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको हम करेंगे। हाँ, एक बात जरूर है, जो जिला मुख्यालय है जहाँ पर ज्वाइंट डायरेक्टर उपलब्ध हैं, वहाँ के जो जिला मुख्यालय के डीपीओ से जरूर करूँगा, हमारे राज्य कार्यालय से, चूंकि सभी ज्वाइंट डायरेक्टर्स को मॉनिटरिंग के लिए सचिव महोदय ने लिखा है, तो मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि उन्हें मॉनिटरिंग प्रपत्र यहाँ से जरूर उपलब्ध करा दिया जाए, और यह जो प्रेक्षक वाली रिपोर्ट है। आपको बता दूं इसके पहले विस्तृत दिशा निर्देश कब कब क्या क्या करना है, ये आपको मैं बता दूं। इसमें जो उल्लेख है कि जो cgschool.in पोर्टल में जिन शिक्षार्थियों पर हमने नाम का उल्लेख किया है उन्हें ही इस परीक्षा में शामिल किया जाना है, ये हमारे डायरेक्टर सर ने विधिवत सभी लोगों को बाकायदे ये बता दिया है, आपको बता दूं। नेक्स्ट, ये भी वही है, हमारे जो राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के जो डायरेक्टर सर हैं उन्होंने निर्देश प्रदान कर दिया है, उसी की कॉपी है, मतलब डायरेक्टर सर ने भी किया है और हमारे संचालक महोदय ने किया है। नेक्स्ट, ये 30 सितंबर के लिए इस तरह का पोस्टर जिन्हों ने जो बनाया है, यह आपका प्रारूप है, चाहे तो आप ऐसा पोस्टर लगा सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि केंद्रों में लोग आए। नेक्स्ट, आगे जोड़ा है आपने जो मुझे भेजा था, हाँ अपील ये दिखा दीजिए नीचे। ये हमारा एक जिले के कलेक्टर ने अलग भाषा में, दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर हैं, उन्होंने वो किया है, ये देख लीजिए जरा इसको, इस तरह से आप अपने जिले के कलेक्टर से अपील करा सकते हैं। जोहार, नन्ना कलेक्टर दंतेवाड़ा केता मुद्दा हूँ। नाटे नोड़ी मेनो मेनो ले माने मुद्दे साक्षरता क्लास ते ओड़े मते ओड़ माँ परीक्षा अभियान 30 सितंबर ते स्कूल स्कूल तक 10 बजे ते 5 बजे एवना आता अगामी एवस परीक्षा इनु और साक्षर आयनत पायदा कोई मुठ। धन्यवाद। तो ये कितना छोटा सा और कितना बढ़िया अपनी भाषा में हमारे जिला साक्षरता मिशन दंतेवाड़ा के अध्यक्ष और कलेक्टर श्री दीपक सोनी सर ने एक अपील की है। मैं सभी जिलों ने अपने अपने तरफ से प्रयास किया है, मेरे को बहुत सारे जिलों से मिला है, चाहे बलरामपुर हो, चाहे वो सरगुजा हो, कोरिया हो, बिलासपुर हो, महासमुंद हो, आपके दुर्ग हो, बस्तर हो, कोरबा हो, सभी संभाग के सभी जिलों से, रायपुर और हो, सभी तरफ से कलेक्टर की अपील, सारे की अपील यहाँ पर हमें देखने को मिली है। आप लोग अभी भी कर सकते हैं और उसको सब तक पहुँचा सकते हैं, शिक्षार्थियों के रिश्तेदारों तक भेज सकते हैं, उन्हें याद दिला सकते हैं कि किस सरकार उनको आमंत्रित करें। मैं फिर से आपसे यह अनुरोध करूँगा कि हमारे पास जो 20 घंटे बचे हैं, इस 20 घंटे में आप लोग पूरा प्रयास करें कि हम 2.5 लाख जो असाक्षरों का हमारा लक्ष्य है उसमें हम लोग शामिल हो सके, आप लोगों को ध्यान देना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त किया और कल की जो तैयारी है उसमें हम पूर्ण तौर से जुट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे सर आपका।
सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ राज्य केंद्र एससीएस की प्रकोष्ठ प्रभारी श्रीमती प्रीति सिंह मैडम से कि आप हमें निर्देश दीजिए। मैं राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण एससीआरटी में स्थित एससीएल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। बस सर 15-20 मिनट चलिए इस महापरीक्षा अभियान के तहत हो रहे राज्य स्तरीय वेबिनार में मैं आप सभी पर्यवेक्षकों, केंद्राध्यक्षों, ग्राम प्रभारी, संकुल प्रभारी, केंद्र मूल्यांकन प्रभारी और डाइट के सभी प्राचार्यों का और सबसे हमें सभी शिक्षकों का, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं अंदर से शिक्षक हैं, तो जो लोग छूट गए हैं उनको मैं शिक्षकों से संबोधित करूँगी, तो उन सभी के शिक्षकों का मैं स्वागत करती हूँ। और प्रशांत सर ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें पूर्व तैयारी में क्या क्या जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर या कौन कौन से मैन पावर की जरूरत है वो हमें पूरा चेकलिस्ट एक बना के रखना चाहिए। सर ने बार बार कहा है कि 20 घंटे, इस 20 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं और कैसे आप अच्छे से अच्छे इस महापरीक्षा अभियान को आप सफल लेकर अभियान बना सकते हैं। जो जो भी तैयारी चाहिए जैसे प्रश्न पत्र है उसके साथ उत्तर पुस्तिका, पेन पेंसिल और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसका मूल्यांकन फॉर्म और सभी जो स्वयंसेवी शिक्षक हैं, जो हमारे शिक्षार्थी हैं, उनका समय पर वहाँ उपस्थित होना, सभी पर्यवेक्षकों का वहाँ समय पर उपस्थित होना, केंद्राध्यक्षों द्वारा वहाँ पे मॉनिटरिंग करना, तो मॉनिटरिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मॉनिटरिंग। और उस मॉनिटरिंग में सबसे ज़्यादा जो देखने वाली बात है कि सारी चीज़ें जो हमें चाहिए इस अभियान को, मूल्यांकन को सफल बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हों और हम समय पर उनका, जो समय हमें दिया गया है दो दो घंटे पर, तीन शेड्यूल है, उस शेड्यूल पर उनका एग्ज़ाम हो और उनका मूल्यांकन हम सही समय पर पोर्टल में NIOS के माध्यम से, आपके साथ एक डाटा एंट्री ऑपरेटर शायद एक्सपर्ट्स होंगे आपके साथ, तो उन ऑपरेटर्स की आप माध्यम से, उन ऑपरेटर्स के माध्यम से आप cgschool.in पे इन सभी मूल्यांकन को रजिस्टर करवाएं और वो हम तक SLMA तक भेजें। तो मेरे ख्याल में प्रशांत सर ने आपको काफ़ी कुछ बता दिया कि इस 20 घंटे जो लास्ट के 20 घंटे हैं, तो मुझे चक दे इंडिया का डायलॉग याद आ रहा है कि शाहरुख बोलते हैं लास्ट के 7 मिनट हैं आपको सफल बनाना है, जीतना है, तो हमें ये जीतना है और 20 घंटे आपके पास काफ़ी समय है और सारी चेकलिस्ट बना लें कि क्या क्या चीज़ हमें चाहिए, क्या चीज़ उपलब्ध नहीं है, तो हम बात करके और उन चीज़ों को वहाँ उपलब्धता उन केंद्राध्यक्ष केंद्रों तक पहुँचाएँ। तो इन्हीं बातों के साथ मैं चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम के रूप में हम देखेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। और अब मैं बुलाना चाहूँगी राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के परियोजना सलाहकार सुश्री नेहा शुक्ला जी को। से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निधि मैम। सभी को नमस्कार। जैसे कि अभी प्रशांत सर ने बताया है कि हमें इस महापरीक्षा अभियान के लिए क्या क्या करना है, मैं उसमें से सिर्फ पंजीयन और मूल्यांकन पर चर्चा करना चाहूँगी कि पंजीयन और मूल्यांकन हमें कैसे करना है। जैसे कि हमने राज्य से इस तरह का पंजीयन फॉर्म सभी को वितरित किया है, सभी जिलों को, और मैं आशा करती हूँ सभी तक ये पहुँच चुका होगा। इस पंजीयन फॉर्म में आपको जो भी जानकारी है ये फिल करके रखनी है अपने पास। इसमें सिर्फ तीन जो विकल्प है वो नए इसमें डाले गए हैं, जैसे कि माता का नाम, शिक्षार्थी के माता का नाम, शिक्षार्थी की वैवाहिक स्थिति और दिव्यांग। ये तीन चीज़ें आपको, ये जानकारी इस पंजीयन फॉर्म में डालना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। इसके बाद महापरीक्षा अभियान के बाद जो आप मूल्यांकन करेंगे, जैसे कि सर ने अपनी PPT में दिखाया है,
मूल्यांकन का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आप उनकी मूल्यांकन करके अंक डालेंगे। पंजीयन के लिए cgschool.in पोर्टल में शिक्षार्थियों का पंजीयन करना है, तो पहले तो आप इस फॉर्म में पूरा पंजीयन करेंगे। उसके बाद पंजीकृत शिक्षार्थियों को एक विशिष्ट आईडी दी जाएगी जो एक यूडाइस कोड है, जो स्कूल के जो सेंटर का कोड है, उसके साथ आपको 3 अंकों का सीरियल नंबर उनको प्रदान करना है। इस महाअभियान में, महापरीक्षा अभियान में कौन से शिक्षार्थी भाग ले सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, जिनका नाम cgschool.in पोर्टल में अपलोड हो, जिनकी जानकारी, जिन्होंने 120 घंटे की पढ़ाई पूर्ण कर ली हो और पढ़ाई के दौरान हर 4 पाठ के बाद जो अभ्यास पत्र है उस पे उनका जो मूल्यांकन है वो संतोषजनक हो। पंजीयन हेतु आवश्यक जानकारी, ये जानकारी आपने पहले ही शिक्षार्थियों की cgschool.in पोर्टल में डाल दी है, जैसे उनका जिला, स्वयं जिला का नाम, ब्लॉक का नाम, स्वयं सेवी शिक्षक उनका नाम, शिक्षार्थियों का नाम, जो ये वाइट में हाईलाइट हो रहे हैं, ये जानकारी, ये नई जानकारी है, ये जानकारी आपको उनसे लेकर ये उसमें डालनी है, जैसे उनके माता का नाम, उनकी वैवाहिक स्थिति और दिव्यांग, दिव्यांग के प्रकार अगर हो, यदि हो तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर संकुल है, स्कूल परीक्षा केंद्र का नाम है, रोल नंबर है, रोल नंबर जो है वो यूडाइस कोड और 3 अंकों से मिलके बना हुआ है, तो यूडाइस कोड भी ऑलरेडी पोर्टल में उपलब्ध है। फिर उसके बाद जो आप मूल्यांकन करने के बाद पढ़ना जो है उसमें जो उनको प्राप्त अंक हुआ है, लिखना में जो प्राप्त अंक हुआ है 50 अंकों का ये है, उसमें से उन्हें जितना प्राप्त हुआ है वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसी तरह गणित में प्राप्त अंक और आंकलन की तिथि, जिस दिन वो परीक्षा में शामिल हुए हैं वो तिथि भी आपको डालनी होगी। उसके साथ परीक्षार्थी की पासपोर्ट साइज की फोटो, जो 50 KB उसका साइज होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी, ये फोटो उनके सर्टिफिकेट जो उन्हें दिया जाएगा उस सर्टिफिकेट में लगाया जाएगा, तो उस हिसाब से साफ सुथरी छोटी सी पासपोर्ट साइज फोटो आपको रखनी है। ये दिव्यांगजनों के जो टाइप्स है, किस टाइप के वो दिव्यांग है, किस प्रकार के हैं, ये एक लिस्ट दी हुई है। जब आप पोर्टल में या फॉर्म में मेंशन करेंगे तो बहुत कम शब्दों में उनका प्रकार वहां पर मेंशन करेंगे, ये आपके मदद के लिए है। नेक्स्ट, रोल नंबर किस तरह से बनेगा उसका एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। ये रायपुर जिले के एक शासकीय शाला शंकरनगर केंद्र का कोड है, यूडाइस कोड, ये उदाहरण के रूप में आपको दिया गया है। जिस तरह से यूडाइस कोड उस सेंटर के लिए सेम रहेगा सबके लिए, बस शिक्षार्थियों के उनके हिसाब से रोल नंबर आपको डालने पड़ेंगे 3 डिजिट के 3 अंकों के। जैसे एक शिक्षार्थी है पहला शिक्षार्थी तो 001, दूसरा है तो 002, इस तरह से ये क्रम बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, cgschool.in पोर्टल में जो पंजीयन फॉर्म आप भर रहे हैं, हार्ड कॉपी और मूल्यांकन रिपोर्ट, उसको कैसे अपलोड करेंगे इसका प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट, ये तो आप जानते ही होंगे सीजी स्कूल पोर्टल है, इसमें आप लॉगिन करेंगे DEO और BO लॉगिन से। लॉगिन करने के बाद आप अपने एडमिन कार्य में जाएंगे, अगर BO है तो BO अपने एडमिन कार्य में जाएंगे, DEO है तो DEO एडमिन कार्य में जाकर CG पढ़ना लिखना अभियान के विकल्प के अंदर आपको ये 3 नए विकल्प दिए गए हैं जो कि आप देख रहे हैं, हाईलाइटेड हैं, शिक्षार्थी रजिस्ट्रेशन, शिक्षार्थी का रिजल्ट, ग्रेड और स्वयं से भी शिक्षक की फोटो अपलोड। शिक्षार्थी रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरह से आपको पोर्टल में दिखेगा, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जितनी भी जानकारी आपसे मांगी गई है वो इस पोर्टल में भी है, आपको बस इसमें उस विकल्प को चयन करते जाना है। जैसे जिला है तो जिला आपको ऑलरेडी वहां पर शो करता रहेगा, जैसे अगर रायपुर वालों ने अपने लॉगिन आईडी से रजिस्ट्रेशन किया है, ओपन किया है पोर्टल,
तो जिला आपको रायपुर दिखेगा, उसके बाद आप ब्लॉक का नाम चेंज करेंगे, संकुल का नाम चेंज करेंगे, स्वयं सेवी का नाम चेंज करेंगे और शिक्षार्थी का नाम चेंज करेंगे, फिर स्कूल कोड आ जाएगा और उनकी वैवाहिक स्थिति आपको यहाँ पर करनी होगी, दिव्यांग है तो वो लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, उसी तरह सारा स्कूल का नाम भी आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका उस स्कूल का कोड आपके सामने आ जाएगा। यहीं पर आपको जो आपने मूल्यांकन किया है शिक्षार्थी का, जो उन्हें प्राप्त अंक हुए हैं, आपको यहाँ पर पोर्टल में अपलोड करना है इसी शीट में, और नीचे पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ अपलोड करनी है। अगर आपने गलती से कोई गलत फोटो भी अपलोड कर दी है तो आप यहीं पर जाकर चूज फाइल का जो ऑप्शन दिख रहा है वहां पर जाकर हम सही फोटो फिर से अपलोड करके इसको सुरक्षित कर दें, ये सुरक्षित हो जाएगा। नेक्स्ट, पासपोर्ट जो फोटो है पासपोर्ट साइज की, उसकी 50 KB ही साइज होनी चाहिए, ज्यादा ना हो, कंप्रेस करके उसे इसमें अपलोड करें। ये दूसरा जो विकल्प आपको दिया गया है, यहाँ शिक्षार्थी की रिजल्ट है, तो आपने जो पिछले उसमें विकल्प में जितने उनके प्राप्त अंक आपने डाले हैं, यहाँ पर आपको उनका जो ग्रेड उनको प्रदान होगा आप वो यहाँ पर आके देख सकते हैं। जिला का नाम, ब्लॉक का नाम, संकुल का नाम डाल के, स्कूल का नाम डाल के, और उस स्कूल में जितने भी शिक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी और उनकी ग्रेड आपको यहाँ पर शो करेगी। यहाँ पर है स्वयंसेवी शिक्षक फोटो अपलोड। अभी तक हम शिक्षार्थियों की फोटो की बात कर रहे थे, हम स्वयंसेवी शिक्षक को भी सर्टिफिकेट प्रदान कर रहे हैं यहाँ राज्य से, तो उस सर्टिफिकेट पे भी उनके एक पासपोर्ट साइज फोटो लगनी है, उसके लिए यहाँ पर ये विकल्प दिया गया है। सेम जिला का नाम चयन करेंगे, ब्लॉक का नाम, संकुल का नाम और स्वयंसेवी की लिस्ट आ जाएगी, उनका नाम आप यहाँ पर चयन करके उनकी भी पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। ये फोटो सर्टिफिकेट में लगाए जाना है, ये ध्यान रखिएगा, तो फोटो साफ सुथरी और बिना मास्क की फोटो होनी चाहिए। जिस तरह आपने पिछले बार बुक पकड़ के और ये सब की, वो वाली फोटो नहीं, सर्टिफिकेट में जा रही है, तो वो ध्यान रखकर आप वो फोटो अपलोड करेंगे और उसे सुरक्षित करेंगे। तो ये था पोर्टल में किस तरह से आप पंजीयन और मूल्यांकन तो अपलोड करेंगे। अगर आपके कोई सवाल हो तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं अनुमति लेना चाहूंगी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा, और अब मैं आमंत्रित करती हूँ एससीईआरटी के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर योगेश शिवहरी सर को कि वो हमें महापरीक्षा अभियान के लिए अपने आशीर्वचन दें। चलिए, इस महापरीक्षा अभियान से जुड़े हुए हमारी पूरी टीम को एससीईआरटी की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे लग रहा है कि जो लंबे समय से ये पूरी टीम मशक्कत कर रही है, अब उसको फलीभूत होने का समय आ गया है। परंतु मित्रों, चूंकि आज और आज का दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो परीक्षा होती है, जब हम सब बच्चों की परीक्षा लेते हैं जो किसी विद्यालय में एनरोल होते हैं, तो उनकी परीक्षा लिया जाना आसान होता है, क्योंकि वो परीक्षार्थी उस स्कूल में दर्ज होते हैं, आपको मालूम होता है कौन से परीक्षार्थी हैं, और वो मानसिक रूप से तैयार भी होते हैं परीक्षार्थी, उनको मालूम होता है कि हमको परीक्षा लेना है। दूसरा, घर में उनके पालक होते हैं, यदि बच्चा हील हवाला कर रहा है तो पालक उसको भेजते हैं। आपके साथ चैलेंज ये है कि आप जिन लोगों को परीक्षा के लिए तैयार किए हैं या आज आप जो तैयारियां करेंगे, यदि वो बहुत मोटिवेटेड नहीं है, स्वप्रेरित नहीं है, तो चूंकि वो खुद पालक हैं इसलिए उनको ऊपर घर में बोलने वाला कोई, तो आज आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए, उनको प्रॉपरली मोटिवेट कीजिए। और देखिए, परीक्षा का डर हमने ऐसा हुआ बना के रखा हुआ है कि बच्चों को तो छोड़ दीजिए, आप जिनकी परीक्षा ले रहे हैं पालक उनको भी छोड़ दीजिए। कोई यदि हमसे बोले कि अभी शाम को परीक्षा है, तो हम लोग भी शायद डर जाएंगे और सोचेंगे 10 बार की परीक्षा में शामिल हों कि नहीं हों, तैयारी हुई है कि नहीं हुई है। इस डर को आपको दूर करना है। दूसरी बात है कि हम सब साथी चूंकि स्कूलों में काम करते हैं ज़्यादातर,
तो हमको अभी अभ्यास है बच्चों की परीक्षा लेने। आपको पालकों की परीक्षा या जो अभी असाक्षर हैं, प्रौढ़ हैं, और जो असाक्षर से नौ साक्षर बनाने की ओर आप जिस राह पे चले हैं, उनकी परीक्षा लेने के लिए आपको बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको डील करना होगा, उनको प्रॉपरली रिसीव करना होगा, उस जगह पर बैठाना होगा, क्योंकि बच्चे तो आपके सब उनको मालूम होता है कौन सी जगह बैठना है, कहाँ बैठना है, किस तरह से लिखना है, कुछ क्या व्यवहार करना है, कैसे निर्देशों का पालन करना है। ये जो परीक्षा केंद्र आप केंद्राध्यक्ष हैं, आपको बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हुए, क्योंकि वो हो सकता है कि वो चूँकि पढ़े लिखे नहीं हैं, ये बात ठीक है कि उनको अक्षर ज्ञान नहीं है, किंतु उम्र में और शायद व्यवहारिक ज्ञान में वो हमसे कमतर नहीं, तो इसलिए जैसा हम बच्चों के साथ बिहेव करते हैं ऐसा बिहेव ना हो, केंद्रों पर व्यवस्थाएं आप पूरी बनाकर रखें। और मुझे जैसा कि अभी साक्षरता की आपकी जो टीम है, SLMA की टीम है, ये बता रहे थे कि आप लोगों ने बड़ी तैयारियां करके रखी है, जिस तरह से मतदाता को बुलाने के लिए मतदाता पर्ची देते हैं, ऐसे आपने जो है वो परीक्षा के लिए पर्चियाँ बांटी हुई है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि मतदान में तो फिर भी आसान है, क्योंकि वहाँ पर जनप्रतिनिधि और जो दूसरे लोग हैं वो केंद्र तक लोगों को ला लेते हैं, यदि वो पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई चूक रहा है तो ले आए, यहाँ उनकी मदद नहीं है। जब हम चुनाव कराने जाते हैं तो हमारा काम केवल अंदर की व्यवस्था देखना होता है, मतदाता अब तक पहुँच जाता है, उसको पहुँचाने वाले दूसरे लोग होते हैं, इसमें आपकी दोहरी जो है वो व्यवस्था होनी चाहिए, आपकी दोहरी जिम्मेदारी है कि एक तो लोगों को परीक्षा केंद्र तक लेकर आना है, और फिर उनको सारे जो निर्देश हैं, जो उनकी प्रॉपर जगह है, जो प्रश्न पत्र है, वो प्रॉपरली देते हुए उसका मूल्यांकन मतलब जो है उनकी परीक्षा करानी है, और इसके बाद आपको नेक्स्ट डे मूल्यांकन भी करना है, क्योंकि जब मूल्यांकन करेंगे उसमें और उसके रिजल्ट को अपलोड करना होगा, ठीक है, उसको उसके बाद जब आप रिजल्ट अपलोड करेंगे उसके आधार पर NIUS इन लोगों के लिए प्रमाण पत्र जारी करेगा, और आपके लिए भी जो है वो अप्रिसिएशन लेटर की व्यवस्था है। सभी संयुक्त संचालक यदि जुड़े हैं तो संयुक्त संचालक जो मित्रगण हैं उन्होंने देखा होगा कि प्रमुख सचिव सब ने निर्देश जारी किए हैं, और न केवल जिला शिक्षा अधिकारी, DMCs और दूसरे अमले को, बल्कि ज्वाइंट डायरेक्टर्स के लिए भी स्पेशली लिखा हुआ है कि आप लोग जो है वो सघन मॉनिटरिंग करें और लोगों की मदद करके इस अभियान को चलाएं। देखिए मुझे लगता है कि बाकी लोग तो लगातार जुड़े हुए हैं, वो सब जान रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है, और मुझे लगता है कि ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात भी है कि इसको वो अमला संचालित कर रहा है जो जिनको कोई किसी प्रकार का रेमुनरेशन या जो है किसी तरह का कोई धन या किसी तरह का हम वो नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड होकर और इन लोगों ने ये लोगों को तैयार किया है हमारे महाभियान के लिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको समुचित संख्या में जो पहले से ही आइडेंटिफाइड है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार ये घोषणा की है कि हम 2.5 लाख लोगों को साक्षर बनाने वाले, तो कल ही हमारी परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब अभियान चलता है तो जो टारगेट होता है उससे ज़्यादा ही अचीव होता है, अमूमन हर अभियान में हम लोगों का एक अनुभव है। तो ये आप हम सबके लिए चैलेंज है कि यदि इस अभियान का आंकड़ा 2.5 लाख रखा गया है तो उससे किसी भी तरह से कम लोगों का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, और इस पूरे जो महाभियान है उससे जुड़ी हुई पूरी टीम इंक्लूडिंग SLMA के पांडे जी और टांग जी और बाकी सभी सदस्यगण, सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी को शुभकामनाएं हैं, और मैं चाहता हूं कि ये अभियान पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश में भी एक आयाम स्थापित करे और लोग इसका उदाहरण दें कि देखो छत्तीसगढ़ ने किस तरह से एक ये मूल्यांकन का जो महाअभियान चलाकर इसमें सफल हुए। मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपके आशीर्वचन हमें प्राप्त हुए, और अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के असिस्टेंट डायरेक्टर श्री दिनेश कुमार काम सर।
सभी मित्रों को नमस्कार। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण और SCERT SCL की ओर से समस्त जितने भी आज इस वेबिनार में जुड़े हैं उनका बहुत 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 स्वागत है। मित्रों, हम लोग अब पढ़ना लिखना अभियान के अंतिम कड़ी में पहुंच चुके हैं, जैसे कि हमारे पांडे जी ने बताया, उसके बाद आदरणीय एडिशनल डायरेक्टर सर ने हमको बताया कि हमको सबको जी जान से इसमें भिड़ के कल इस जो परीक्षा अभियान है उसको सफल बनाना है। कुछ साथी इसमें प्रश्न कर रहे थे कि एग्ज़ाम देते समय ही फ़ोटो लेना है क्या, एग्ज़ाम के पहले फ़ोटो लेना है, एग्ज़ाम लेते हुए फ़ोटो उसमें अपलोड नहीं होगा, है ना, ये देख लीजिएगा। एक ने कहा है कि कल स्कूली बच्चों का अवकाश रहेगा क्या, इसमें अवकाश नहीं रहना है, एक कमरे में आपका एग्ज़ाम होगा, बाकी जगह आपके स्कूल बच्चे भी पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक मित्र ने लिखा था मातृपित्र नवमी है कल, कल मतलब पितर का मे बी लास्ट डे है ऐसा लग रहा है, तो उस दिन सब पूरा छत्तीसगढ़ में वाकई मतलब बहुत इसको अच्छे से मनाते हैं, बट इसमें 3-2 घंटे की बात है, तो 3 घंटे की बात है, तो कम से कम ये वाले और पूरा प्रदेश में नहीं है, इसमें मात्र 2.5 लाख का टारगेट है हमारा और 33 लाख करीब का वो था, बट 2.5 लाख है तो मतलब आके बीच बीच में मतलब अपना एग्जाम दिला के जा सकते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये हम सब जानते हैं। आप सब लोगों ने आदरणीय हमारे डी राहुल वेंकट सर जो डायरेक्टर हैं SCERT के भी और हमारे भी आदरणीय शिवरे सर जो SCL को भी गाइड कर रहे हैं, इनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत अच्छा इसमें पढ़ना लिखना अभियान में काम किया है। आप सबके सहयोग से आप सबका बहुत अच्छा भूमिका रहा है, तो लास्ट में भी आप सब कल इसको कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा सफल बनाएं। समस्याएं तो आती है मगर उसका निदान भी होता है। दूसरा, आप सब ने बहुत अच्छा उम्मीद से ज्यादा इसमें बढ़ चढ़ कर काम किया है, कुछ मतलब रुकावटें भी आई, दिक्कत भी हुई, बीच में कोरोना भी आया था, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं बजट का भी कुछ वो था, उसके बावजूद जिलों में ये कार्यक्रम और ग्राम पंचायत के माध्यम से हमारे ग्राम प्रभारी के माध्यम से इसको लगातार रन करना एक मतलब मैं क्या कहूँ मतलब बहुत अच्छा मतलब उदाहरण पेश करेगा ये देश के लिए। मित्रों, कुछ समस्या मतलब आप लोग लगातार लिख रहे हैं, देखिए जिले में अभी जो यहाँ 2 दिन का वर्कशॉप हुआ था SCERT में, तो उसमें जिले के DPO और सब आए थे, उनको बताया गया है कि कहीं कोई दिक्कत हो तो आप अपने जिले के DPO और BPO से संपर्क करके उसका निदान कर सकते हैं। आपके पास फोन नंबर होगा, जिले में DPO हैं, DO साहबान हैं, इनसे आप बात करके जो भी बातें हैं उसको समाधान कर सकते हैं। एक साथी ने कहा था इसमें परीक्षा का पेपर जांचेंगे तो मानदेय मिलेगा क्या, बिल्कुल इसमें प्रति शिक्षार्थी 5 रुपये का बजट सेंक्शन है, जो जिलों को निर्देश जारी कर दिया गया है, प्रति लर्नर 5 रुपया, मूल्यांकनकर्ता सह पर्यवेक्षक मतलब तीनों का 1-5 रुपये प्रति हस्ताक्षर है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। 3 रुपया पेंसिल और रबड़ कटर के लिए भी है, तो ये जिले से आपको प्राप्त होगा, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं, जो जिले से या ब्लॉक से मॉनिटरिंग करेंगे उसके भी निर्देश यहाँ से राज्य से जारी हुए हैं, कृपया आप अपने जिले के प्रभारी अधिकारियों से संपर्क करेंगे। और आप सब ने इस वेबिनार में बहुत अच्छे से आज भागीदारी लिया, मे भी मैं देख रहा था लगभग 2600 लोग इसमें से जुड़े, और आज अमूल्य समय निकालकर इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ प्राधिकरण की ओर से, SCERT ओर से, और कल के लिए आप सबको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब सफलतापूर्वक इस काम को संपादित करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय अक्षरम। हमारे बीच में एडिशनल डायरेक्टर SCERT आदरणीय शिवरे सर, आपको मालूम ही होगा अभी राज्य शासन की बहुत सारी उच्च प्राथमिकता के कार्यक्रम हो रहे हैं और उन्होंने बहुत मुश्किल से यहाँ पर समय निकाला है, आपको मालूम ही होगा, जिसमें मंत्री जी सर, प्रमुख सचिव, सचिव ने बहुत सारे काम SCERT के माध्यम से कराए जा रहे हैं, उसमें समय निकाला। मैं आदरणीय शिवरे सर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने समय निकाला, और सभी का धन्यवाद बोल दो ना।